दोस्तों, जहां बहुत सारे लोगों के वीडियो 10 मिलियन प्लस होने में ऊपर का पसीना नीचे हो जाता है, वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के लिए ये बहुत ही आम बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। मेरा नाम है कुश दुबे। आपको बता दूं कि जैसा कि आज पवन सिंह के आरा सॉन्ग का टीजर रिलीज हुआ है मां बाप फिल्म से, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। ऐसा टीजर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भोजपुरी में आया है। आपको बता दूं, इसी गाने का ऑडियो 10 मिलियन प्लस व्यू गेन कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, एक बिग अचीवमेंट है कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। पवन सिंह का गाना, जो कि कुछ विवाद में भी आया था, खेसारी भाई ने भी ये गाना गाया था जिसका क्रॉस लाइन मिल रहा था, तो कुछ लोग समर्थक जो थे खेसारी लाल यादव के पवन सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, और कुछ समर्थक पवन सिंह के थे जो खेसारी लाल यादव के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो यह गाना विवाद में भी आया था आरा में दोबारा। लेकिन कहते हैं ना कि जनता जनार्दन सब जानती है, जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हम इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं कि किसने किसका गाना चुराया, किसने किसका गाना गाया। लेकिन आपको बता दूं, पवन सिंह का जो मां बाप फिल्म से आरा में दोबारा सॉन्ग का ऑडियो रिलीज हुआ था, आज 10 मिलियन प्लस व्यू गेन कर चुका है, और उसी गाने का मां बाप फिल्म से आज टीजर रिलीज हुआ है, वो भी खूब धूम मचा रहा है। बहुत ही बढ़िया टीजर है, बहुत अच्छे वीडियोस में लाइक आ रहे हैं, टीजर में लाइक आ रहा है, अच्छा व्यू गेन कर रहा है टीजर, और बहुत ही जल्दी इस गाने का पूरा फुल वीडियो आप लोग मामा फिल्म से देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने यह टीजर नहीं देखा है तो टीजर ज़रूर देखिए। और आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को 10 मिलियन प्लस करने में वीडियो में इतना तकलीफ होती है, इतना प्रमोशन करना पड़ता है, इतना फेक न्यूज का सहारा लेना पड़ता है, फेक फेक पोस्टर बनवाने पड़ते हैं, ऑटो में चिपकवाने पड़ते हैं, टेम्पो में चिपकवाने पड़ते हैं फेक, और फेक खबरें जो पोर्टल वाले हैं उनको पैसे देके बनवाना पड़ता है। वहीं पवन सिंह का ऑडियो सॉन्ग आरा वाला, जो कि 10 मिलियन प्लस हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।